Good morning and welcome back. The topic of today's lecture is weathering. Myself, Dr. Sandeep Yadav, Associate Professor in Geography, Government College, Bhundi. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपक्षय. अपक्षय क्या होता है? चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है, जबकि नदी, हिमानी, वायु, लहरों आदि के द्वारा चट्टानों के कटाव की क्रिया को अपरदन कहते हैं. अपक्षय एक स्थिर क्रिया है, जबकि अपरदन एक गतिशील क्रिया है. अपक्षय एवं अपरदन के सम्मिलित योग को अनाच्छादन कहा जाता है. अपक्षय से तात्पर्य चट्टानों की अपने ही स्थान पर टूट फूट करके बिखर कर रह जाने को कहते हैं. ऊपर जो चित्र दिया हुआ है उसमें चट्टानों के अपक्षय से निर्मित एक स्थल आकृति हमें देखने को मिल रही है. अलग अलग विद्वानों ने अपक्षय को अपने हिसाब से परिभाषित किया है. लुबेक के अनुसार चट्टानों के विघटन तथा अपघटन की क्रियाओं को अपक्षय कहते हैं. होम्स के अनुसार अपक्षय उन विभिन्न धरातलीय प्रक्रमों का प्रभाव है जो चट्टानों के विनाश एवं विघटन में सहायक होते हैं, बशर्ते कि ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन ना हो. होम्स ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन हो जाता है तो वो अपक्षय ना होकर अपरदन हो जाता है. स्पार्क्स के अनुसार पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक साधनों के द्वारा चट्टानों के अपने स्थान पर यांत्रिक विधि से टूटने या रासायनिक विधि से अपघटन की क्रिया अपक्षय कहलाती है. सविंदर सिंह के अनुसार अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टाने विघटन एवं विनियोजित द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर बिखर जाती हैं. अब अपक्षय को कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं ये देखते हैं. अपक्षय की क्रिया हमेशा एक जैसी नहीं होती, उसके स्वरूप तथा तीव्रता में अनेक भिन्नताएं दृष्टिगत होती हैं. निम्न कारक अपक्षय की भिन्नता के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं. पहला है शैल संगठन और संरचना, रॉक कंपोजिशन एंड इट्स स्ट्रक्चर. दूसरा भूमि का ढाल या स्लोप ऑफ द लैंड. तीसरा है जलवायु की दशाएं या क्लाइमेटिक कंडीशंस. चौथा वनस्पति या वेजिटेशन. और पांचवा है समय या टाइम. सबसे पहले शैल संगठन एवं संरचना. कोमल, सरंध्र, संधि युक्त एवं असंगठित चट्टानों पर अपक्षय की प्रक्रिया अधिक प्रभावकारी होती है. सरंध्र तथा घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय की क्रिया सरलता से होती है. ऊर्ध्वाधर स्तर वाली चट्टानों पर तापमान, तुषार, जल एवं पवन का प्रभाव शीघ्र होता है. ऐसी चट्टानों का आधार नष्ट होते ही गुरुत्व के कारण उनका स्थानांतरण होने लगता है. इसके विपरीत क्षैतिज स्तरों वाली चट्टानों का विघटन देरी से होता है. अधिक संधियुक्त या जोड़ वाली चट्टानों पर यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव हमें अधिक देखने को मिलता है. अब है भूमि का ढाल. ढालू भूमि पर चट्टानों का यांत्रिक अपक्षय अथवा विघटन अधिक होता है. खड़ा ढाल होने पर ढीली चट्टानों का स्थानांतरण सरलता से होता है. कम ढालू भूमि पर चट्टानें संगठित रहती हैं, इसलिए उनका अपक्षय और स्थानांतरण आसानी से नहीं होता. यह जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र के अंदर यह ढाल है जो पर्वत के, इस पर चट्टानों का अपक्षय बहुत तेजी से हुआ है. वनस्पत जो सपाट जो सतह हैं उनके आप देखिए, वो सपाट सतह यूं ही खड़ी देखने को हमें इसमें मिल रही है. जलवायु की दशाएं. जलवायु की दशाएं चट्टानों पर विशेष प्रभाव डालती हैं. जलवायु को भिन्नता अपक्षय की तीव्रता या मात्रा के लिए उत्तरदायी है. उष्णाद्र जलवायु में रासायनिक अपक्षय अधिक सक्रिय होता है. अधिक तापमान और आर्द्रता के कारण चट्टानों के लवण पानी में घुल जाते हैं. इसके विपरीत उष्ण एवं शुष्क दशाओं में अधिक तापांतरों के कारण चट्टानों का प्रसार और संकुचन अधिक होता है, जिससे उनका यांत्रिक अपक्षय या विघटन तेजी से होता है. वनस्पति. चट्टानों के अपक्षय में वनस्पति की भूमिका विवादास्पद है. वनस्पति अपक्षय का कारक भी है तथा बाधक भी. वास्तव में वनस्पति की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, इसलिए मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए वनारोपण किया जाता है.
किंतु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि वनस्पतियों की जड़ों में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं जो चट्टान कणों को विबंधित या डिकम्पोज कर देते हैं। वृक्षों की जड़ें भूमि में गहराई तक प्रवेश करके संधियों का विस्तार करती हैं तथा चट्टानों का अपक्षय करती हैं। आप ये चित्र देखिए, इसमें कैसे जड़ों ने मिट्टी को तो बांध रखा है, चट्टान को घेर के उसको बचा रखा है, लेकिन इसकी जड़ें कुछ चट्टानों के बीच में भी अपना प्रसार देखने को दिखा रही हैं, जिसके कारण चट्टान का भी टुकड़ा होता नजर आ रहा है और ये टूटकर विखंडित हो जाएगी। समय, सामान्यतः अधिक समय अथवा देरी तक अपक्षय होने पर चट्टाने अंततः नष्ट हो जाती हैं। इसलिए काल अवधि तथा अपक्षय का सीधा सीधा संबंध देखने को मिलता है। अब अपक्षय कितने प्रकार के हैं? चट्टानों के अपक्षय में भाग लेने वाले साधनों के आधार पर अपक्षय को तीन वर्गों में बांटा गया है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। सूर्य, ताप, वर्षा, तुषार, वायु आदि के द्वारा चट्टानों में होने वाला विघटन यांत्रिक अपक्षय कहलाता है, जो निम्न रूपों में संपादित होता है। ताप द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। दिन में तापमान के कारण चट्टानें गर्म होने के बाद फैलती हैं और रात्रि में ठंडी होकर वो संकुचित होती हैं। बार बार ये फैलाव और संकुचन के कारण तनाव के परिणाम स्वरूप चट्टानों के कण ढीले पड़ने लगते हैं और उनकी संधियां और दरारें पड़ती हैं जो फैलती चली जाती हैं, जिस कारण चट्टानें बड़े बड़े पिंडों में टूटने लगती हैं। यह क्रिया हमें दानेदार आग्नेय चट्टानों में अधिक देखने को मिलती है। ये ऊपर आग्नेय चट्टान के अंदर दरार किस तरीके से चौड़ी होती जा रही है और ये दो खंडों में या दो पिंडों में टूटकर बिखर जाएगी। ताप के कारण कणदार विघटन। जब बड़े कणों वाली और विभिन्न रंगों वाली चट्टानों पर तापांतर का प्रभाव पड़ता है तो उनमें प्रसार और संकुचन अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि गहरे रंग की चट्टान होगी वो जल्दी गर्म होगी, जल्दी फैलेगी, जबकि हल्के रंग की चट्टान में उस गर्माहट देरी से आएगी, उसका फैलाव भी देरी से होगा। फलस्वरूप तनाव के कारण चट्टान छोटे छोटे कणों में बिखर कर टूटने लगती है। यह क्रिया मरुस्थलीय भागों में अधिक होती है। आप इस चित्र में देखिए, अलग अलग रंग की चट्टानें हमें देखने को मिल रही हैं और इनका अलग अलग इस पर तापमान का प्रभाव देखने को मिला, तो ये कण कण होकर बिखर कर ढालों के ऊपर लुढ़कती हुई नजर आ रही है। अब ताप और जल द्वारा चट्टानों का भंजन। उष्ण प्रदेशों में दिन के समय गर्म चट्टानों पर जब अचानक वर्षा के छींटे पड़ते हैं तो चट्टानें चटकने लगती हैं और वह टूटकर बिखर जाती हैं। यह ठीक उसी तरह होता है जैसे आप गर्म शीशे पर जल के छींटे डाल दें तो वह चटक कर टूट जाता है। इस चित्र के अंदर देखिए, गर्म चट्टानों पर जैसे ही बरसात के छींटे पड़े उनमें दरारें पड़ गई और वह चटक कर बिखर गई। तुषार द्वारा पिंड विघटन। शीत प्रदेशों अथवा कुछ पर्वतीय भागों में दिन के समय बर्फ के पिघलने से जल चट्टानों की दरारों और संधियों के छेदों से प्रवेश कर जाता है और रात्रि में जब तापमान में गिरावट आती है तो यह जल उन छिद्रों में जम जाता है। और हम जानते हैं कि जब बर्फ जमती है तो वो फैलाव मारती है, तो चट्टानों के छिद्रों में या दरारों में वो फैलती है, जिसके कारण चट्टानों पर तनाव पड़ता है और चट्टानों की संधियां खुलने लगती हैं और चट्टान पिंडों के रूप में टूटकर बिखर जाती हैं। ताप और वायु द्वारा अपपतरण। मानसूनी एवं शुष्क प्रदेशों में ताप के कारण दानेदार चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं। वायु के द्वारा ढीली चट्टानें प्याज के छिलकों की तरह उखड़ती रहती हैं। इस क्रिया को अपपतरण की क्रिया कहते हैं। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र के अंदर आप देखें, ये प्याज के छिलकों की मार्फत चट्टानों की परत उस पर देखने को मिल रही है और ताप और वायु के द्वारा ये धीरे धीरे बिखर कर नीचे की तरफ गिर जाएंगे। जिस तरीके से प्याज के छिलके को धूप में रखते हैं या हवा में रखते हैं तो वो हवा की वजह से उड़कर दूर चला जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये चट्टानें भी एक एक परत के रूप में बिखरती हैं, जिसको अपपतरण कहते हैं।
दाब मुक्ति द्वारा विघटन। जब ऊपरी चट्टानों का दबाव नीचे की परतों से हट जाता है तो उनमें दरारें और चटकने पड़ने लगती हैं और चट्टानों का विघटन होने लगता है। यह क्रिया आग्नेय और कायंत्रित चट्टानों में हमें अधिक देखने को मिलती है। इस चित्र में आप देखिए, ऊपर की परत इसपे से गायब हो गई, उसकी वनस्वरूप नीचे की परतों के अंदर तापमान और दाब की वजह से जो प्रेशर रिलीज हुआ, दरारें चौड़ी हो गई और चट्टानों का विघटन शुरू हो जाता है। दूसरी जो अपक्षय का प्रकार है वो है रासायनिक अपक्षय। जब वायुमंडल की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग जल से होता है तो जल सक्रिय घोलक बन जाता है, जिसमें घुलनशील कण अलग हो जाते हैं और चट्टान का वियोजन होने लगता है। रासायनिक अपक्षय चार रूपों में होता है। पहला है जलयोजन। जल के साथ लवण मिश्रित होने पर अम्ल व क्षार निर्मित होते हैं। चट्टानों के द्वारा जल सोखने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, परिणामतः चट्टान के कणों व खनिजों में तनाव के कारण वे टूटने लगती हैं। इस चित्र के अंदर जल योजन की वजह से पानी ने इस चट्टान के खनिजों को घोलकर बहा ले गई और जिसके कारण छिद्र पड़ गए और चट्टानें टूटकर खोखली सी हो गई हैं। ये जल योजन का या रासायनिक अपक्षय का एक उदाहरण है। ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन वायु जल के साथ मिलकर चट्टानों के खनिजों को ऑक्साइड में बदलती है, जिससे चट्टानों में अपघटन होने लगता है। आग्नेय चट्टानों में लोहे के ऊपर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होने से जंग लग जाता है, जिससे वह गल जाती है। इसी प्रकार उष्ण आर्द्र प्रदेशों में ऑक्सीकरण के द्वारा लाल और पीली मिट्टियां उत्पन्न होती हैं। हमने देखा होगा, कहीं घूमने गए होंगे जहाँ पहाड़ी इलाकों में पानी बहता हुआ नजर आता है, वहाँ चट्टानों में ऐसा लगता है जैसे जंग आ गया। वो जंग अक्सर जो होता है वो ऑक्सीकरण का एक नमूना देखने को मिलता है हमें। जो चट्टानों के अंदर लौह खनिज है वो पानी की वजह से ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसके कारण चट्टाने जो चित्र नजर आ रहा है उसकी तरह से लाल पीली नजर आने लगती हैं और ये धीरे धीरे विखंडित होती हैं और लाल और पीली मिट्टियों का निर्माण करती हैं। कार्बोनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ मिलकर कार्बोनेट बनाती है, जिससे चट्टानों के घुलनशील तत्व अलग हो जाते हैं, इसलिए इस क्रिया को घोलन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए लौह सल्फाइड या पाइराइट कार्बोनेशन की क्रिया से लोहे के कार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाते हैं। इसी प्रकार चूना पत्थर चूने के कार्बोनेट में बदलकर जल के साथ घुल जाते हैं। ये जो चित्र है ये चूना प्रधान चट्टानों का चित्र है। इसमें पानी चूने के जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके साथ मिलकर उसने घोलन बना लिया और वो घुलकर इसमें दरारें और घुरियां पड़ गई और वो खनिज जो इसमें घुले थे वो घुलकर बहता हुआ ये कहीं ले गया और इस तरीके की जो अपक्षय हमें देखने को मिलता है उसको हम कार्बोनेशन बोलते हैं। सिलिका पृथकीकरण। सिलिका युक्त चट्टानों में जल के द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका तत्व अलग हो जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट चट्टान में सिलिका तत्व अलग हो जाते हैं जिससे चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और उनका विनियोजन शुरू हो जाता है। ग्रेनाइट चट्टानों में बहने वाली नदियों में सिलिका की मात्रा इसीलिए हमें अधिक देखने को मिलती है। अब है जैविक अपक्षय। जीव जंतु वनस्पतियों द्वारा भी और मानव द्वारा भी अपक्षय देखने को मिलता है और ये सब भौतिक अपक्षय में अपना योगदान देते हैं। पहले जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। पृथ्वी की ऊपरी परत में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े एवं बिल बनाने वाले जीव रहते हैं। लोमड़ी, गीदड़, चूहा, बिच्छू, दीमक, चींटियां, खरगोश आदि जीव बिल बनाकर भूमि को ढीला व पोला कर देते हैं, जिससे समीपवर्ती चट्टानें कमजोर पड़कर टूट टूट कर बिखर जाती हैं। ये देखिए चित्र के अंदर खरगोश बैठा हुआ खोखला करके इस चट्टान को और आसपास का जब दबाव पड़ेगा इस पे तो ये चट्टानें तरक कर टूट फूट जाएंगी और उसका अपक्षय हो जाएगा। वनस्पतियों द्वारा अपक्षय। वृक्षों की जड़ें गहराई में जाकर फैलने से चट्टानों की दरारें विस्तृत हो जाती हैं, परिणामतः चट्टानों में तनाव और विघटन होता है,
दूसरे रूप में वनस्पति की जड़ों में जीवाणु चट्टानों के खनिजों को वियोजित करके कमजोर बनाते रहते हैं। जल के साथ मिलकर यह जीव घोलन क्रिया करते हैं जिससे चट्टानों का अपक्षय होने लगता है। आप ये चित्र देखिए, शुरू में ये पौधा रहा होगा, पर जैसे जैसे इस पेड़ का विकास हुआ, इसकी जड़ें मोटी होनी शुरू हुई और ये अपने भरण पोषण के लिए और जड़ों में भी मोटाई आती चली गई, जिसके कारण इसको फैलने की जगह चाहिए थी। जड़ों के फैलने के लिए ये चट्टानों में फैलना शुरू हुआ, जिससे चट्टाने टूट टूट कर बिखरती हैं। मानव द्वारा अपक्षय। मानव अपनी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों की अपक्षय में अपना योगदान देता है, चाहे वो वनों के विनाश से हो या सुरंग बनाना, खान खोदना, सड़कें आदि बनाना, यह सभी चट्टानों के भौतिक अपक्षय होने में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि खान खोदने में कई बार विस्फोट करने पड़ते हैं, उसकी वजह से भी आसपास अपक्षय देखने को मिलता है। अब ये चित्र है, इसमें सुरंग खोदी जा रही है, कई बार सुरंग खोदते टाइम हमें जितनी चौड़ाई की सुरंग खोदनी है लेकिन ऊपर की चट्टानें कमजोर होने के कारण या दबाव के कारण वो बिखर कर गिर जाती हैं और हमें उसमें अपक्षय देखने को मिलता है। अपक्षय द्वारा चट्टानें निरंतर ढीली होती रहती हैं। इस ढीले पदार्थ के निरंतर बारीक होकर विभिन्न परतों के रूप में जना होने पर क्रमशः मिट्टियों का निर्माण होता है। अपक्षय द्वारा मिट्टियों का निर्माण पीडोजेनेसिस कहलाता है, जो कि एक सतत। तो आज हमने अपक्षय पढ़ा, अपक्षय क्या होता है, उसकी परिभाषाएं, कौन से कारक उसको नियंत्रित करते हैं, अपक्षय के विभिन्न प्रकार और कैसे मिट्टियों का निर्माण होता है, इसकी हमें संक्षिप्त जानकारी ली। हम शीघ्र ही दूसरे टॉपिक या लेक्चर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।